और चलिए अब आपको दिखाते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे की कुछ तस्वीरें। पीएम मोदी का यहाँ पर कार्यक्रम है और देखिए किस तरीके से मध्य प्रदेश के दौरे पर जब पीएम मोदी पहुंचे हैं तो अब अलग अलग कार्यक्रम की शुरुआत जो है वो पीएम मोदी करेंगे, क्योंकि आज सड़क रेल परियोजनाओं का शिलान्यास जो है होना है, करोड़ों की सौगात जो है मध्य प्रदेश को मिलनी है आज पीएम मोदी के हाथों। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए किस तरीके से पूजा पाठ का कार्यक्रम जो है वो रखा गया है, शिलान्यास हो रहा है यहाँ पर। तो मध्य प्रदेश के दौरे पर पीएम मोदी है जिसकी सीधी तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। तो पीएम मोदी क्योंकि मध्य प्रदेश पहुँच चुके हैं और आज के दिन बेहद खास मध्य प्रदेश के लिहाज से, क्योंकि करोड़ों की सौगात आज मध्य प्रदेश वासियों को मिलने जा रही है पीएम मोदी के हाथों। तस्वीरें सीधी आपको हम दिखा रहे हैं। तो पीएम मोदी यहां पर मौजूद हैं। दरअसल सागर पहुंचे पीएम मोदी, संत रविदास मंदिर का शिलान्यास सबसे पहले पीएम मोदी को करना है। 100 करोड़ की लागत से संत रविदास का भव्य मंदिर जो है वो बनाया जा रहा है। और बता दें आपको कि आज इस मंदिर की आधारशिला रखने के लिए प्रधानमंत्री मोदी यहां पर पहुंचे हैं। विशाल जनसभा को संबोधित करने का भी पीएम मोदी का कार्यक्रम है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं मध्य प्रदेश और बस थोड़ी देर में आपको बता दें कि करीब 100 करोड़ की लागत से बनने वाले संत रविदास मंदिर का शिलान्यास पीएम मोदी करेंगे। तो आज मध्य प्रदेश को कई बड़ी सौगात पीएम मोदी के हाथों मिलने जा रही है। विधानसभा चुनाव से पहले पीएम मोदी सागर जिले के दौरे पर यहां पर पहुंचे हैं और बरतुमा में 100 करोड़ की लागत से बनने वाले संत रविदास मंदिर की आधारशिला पीएम मोदी रखेंगे और फिर इसके बाद थाना ग्राम में जनसभा को भी संबोधित करने का पीएम मोदी का कार्यक्रम है। श्री रविदास स्मारक का पूजन जो है वो पीएम मोदी के हाथों किया गया है। मिशन एमपी पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है तो श्री रविदास स्मारक का पूजन फिलहाल किया जा रहा है। पीएम मोदी यहाँ पर मौजूद हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सीधी तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं एमपी के सागर की। तो 1500 करोड़ के एमपी को सौगात जो है वो आज मिलने जा रही है। तो अभी रविदास महाराज के मंदिर और स्मारक का भूमि पूजन हो रहा है और इसके बाद का जो आगे कार्यक्रम है पीएम मोदी का वो भी आपको हम बता दें। 3:15 बजे करीब थाना जनसभा स्थल पर पीएम मोदी के पहुंचने का कार्यक्रम है। पीएम मोदी जब यहां पर पहुंचेंगे तो फिर उसके बाद 3:15 बजे करीब यानी 3:15 पर थाना जनसभा स्थल पहुँच करके जनसभा करेंगे, जनसभा को संबोधित करेंगे और जनसभा के बाद फिर शाम 4:15 बजे यानी 4:15 पर थाना एयर स्ट्रिप से हेलीकॉप्टर के जरिए खजुराहो रवाना होंगे और फिर नई दिल्ली के लिए पीएम मोदी रवाना हो जाएंगे। तो हालांकि कांग्रेस पार्टी जो है वो इस दौरे को लेकर कई निशाने साधती हुई नजर आ रही है, क्योंकि पूर्व सीएम कमलनाथ ने भी निशाना साधा है भाजपा के इस कार्यक्रम पर। और भोपाल में एक कार्यक्रम में कमलनाथ ने प्रधानमंत्री के दौरे पर कहा कि आज भाजपा को सब कुछ याद आने लगा है, संत रविदास याद आने लगे हैं, सब कुछ याद आने लगा है। ये तो हालात है लेकिन सोचते हैं कि जनता का ध्यान मोड़ पाएंगे तो लोगों को गुमराह कर पाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है क्योंकि मध्य प्रदेश के मतदाता ने तय कर लिया है कि बड़े प्यार से शिवराज सिंह को वो विदा करेंगे। ये कहना है पूर्व सीएम कमलनाथ का। तो फिलहाल मध्य प्रदेश के सागर दौरे पर पीएम मोदी, वहाँ की सीधी तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। संत रविदास मंदिर का भूमि पूजन किया गया है। पीएम मोदी कई विकास कार्यों का भी आज शिलान्यास यहां पर करने वाले हैं। तो मध्य प्रदेश के सागर दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संत रविदास स्मारक की आधारशिला रखेंगे। और इसके पीछे दरअसल आपको बता दें कि जिस तरीके से पीएम मोदी एमपी गए हैं यहाँ पर संत रविदास मंदिर की आधारशिला रखेंगे, तो इस सब के पीछे कहा यह जा रहा है कि दलितों को साधने की कोशिश में फिलहाल बीजेपी जो है वो नजर आ रही है। तो मध्य प्रदेश के दौरे पर हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो सागर में मंदिर की ये तस्वीरें सीधी आपको हम दिखा रहे हैं। दरअसल इस मंदिर का निर्माण 14वीं शताब्दी के सहस्यवादी कवि और समाज सुधारक संत रविदास की याद में किया जा रहा है। दरअसल ये पीएम मोदी की 2 महीने के अंदर एमपी की दूसरी यात्रा है। इससे पहले 1 जुलाई को भी पीएम मोदी शहडोल पहुंचे थे,
यहाँ पीएम मोदी ने शहडोल जिले के पकड़िया गांव में आदिवासी नेताओं, स्वयं सहायता समूह सदस्य, महिलाओं और बाकी और तमाम लोगों के साथ बातचीत की थी।